इसको हटाऊंगी नहीं, बस दो ही शकरकंदी निकालूंगी। ये दो है या एक है मुझे नहीं पता, ये तो एक ही है भाई। ये देखो भाई मेरे घर का फ्रंट है ये, और कहाँ तक बेल लटकी हुई है ये देखो, नीचे तक, मेरे नीचे के फ्लोर तक आई है ये सारी। तो देखो बारिश ने पूरे घर में शकरकंदी शकरकंदी कर रखी है पूरी छत पे। ये देखो पूरे छत सिर्फ शकरकंदी ऊपर तक चढ़ गई, इस सोच के कि खूब सारी शकरकंदियाँ मुझे मिलेंगी। मैंने भी इसको कई पॉट दे दिए थे, डायरेक्ट शकरकंदी से लगाई थी, लास्ट में गर्मी होने को थी तब लगाई थी। और ना सिर्फ ये उगी बल्कि इसने पूरे में अपना जाल फैला दिया। तो ये मेरी दिवाली की सफाई जब तक अधूरी रहेगी, जब तक मैं शकरकंदी की बेल को नहीं हटा देती। पूरी छत को इसने कवर किया हुआ है, ये देखो सभी जितने भी पॉट थे ना आसपास सब में फैल गई। लगाई मैंने एक दो छोटे पॉट में थी और फैल गई सभी पॉट में, जो आसपास थे उनमें भी बारिश में इतनी आगे बढ़ी है। और कुछ मैंने भी एक दो पॉट और ज़्यादा दे दिए, सोचा था बहुत शकरकंदियाँ मिलेगी मुझे खाने को। एक पॉट तो पहले खाली कर चुकी हूँ शकरकंदी का, कुछ नहीं निकला था। और ये वाला थर्माकोल का आज करूँगी, देखती हूँ इसमें भी कुछ निकलता है कि नहीं। बस इसे एक में लगाई थी और यहाँ से फैल फैल के ये देखो इन पॉट में, ये बड़ा सारा मेरा खाली रखा था मैंने, इसमें और इसमें सब में फैल गई बड़ी बड़ी टंकियों में। तो ये बहुत भारी है, उठ नहीं रहा है मेरे से, कोशिश के बाद भी हिल भी नहीं रहा है। और इसे लगे हुए भी कम से कम 4 से 5 महीने हो गए। तो बस मेरे पास और कोई तरीका बचा नहीं, मैं इसको यहाँ से उखाड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्या निकलता है क्या नहीं। दोबारा से लगाऊंगी, जब बारिश थी तो ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने ले ली कि सिर्फ ये बढ़ती रही लंबाई में, और नीचे कंद नहीं बन पाए, देखो बनने लगे थे। और यही मौसम है जब बनने का, और कुछ होगा तो मैं देखूँगी, पर फिलहाल मैं इसको हटा दूँ सारी को। दोबारा से लगाने के लिए एक बार इसको हटाना ज़रूरी है, और क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये आपको शेयर करूंगी। ये देखो क्या निकल रहा है, पता नहीं कुछ बना भी है या नहीं बना मुझे नहीं पता। ये देखो ये जड़े हैं सिर्फ, और अब की बार मैं चोर में लगाऊंगी, अभी कुछ नहीं बना इनमें। ये जो बनी है ना कलर वाली, ये बनने वाली होती हैं शकरकंदियाँ। और यहाँ पे एक टूटी तो है, देखते हैं ये वाली निकलेगी कि नहीं। कोई मिट्टी यहाँ से भर लें, और देखो एक ये निकली है भाई, बस ये देखो। तो ये शकरकंदी निकली है और कुछ नहीं निकला। और अब मैं सीज़न आया तो अब लगाऊंगी फिर से। और ये भी शकरकंदी लगा रखी थी, तो जड़ें तो देख लो कैसी इसमें रूट बॉल बनी हुई है पूरे में। शकरकंदी निकलेंगी या नहीं वो मैं देखती हूँ अभी। तो देख रहे हो आप, जी हाँ इसमें शकरकंदियाँ बनने लगी थी, ये देखो और ये देखो बन रही है ना, आप देख रहे हो ये है शकरकंदियाँ। तो मैं इसको ऐसे के ऐसे रख दूँगी क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मैंने टब को खाली कर लिया था, लेकिन ये बन रही हैं, उसमें नहीं निकली बल्कि एक भी, और इसमें बन रही हैं। और ये देख लो साइज़ भी देख लो शकरकंदी का, तो एक तो मैं निकाल ही लूँ क्योंकि थोड़ी सी तो निकालनी बनती है, बड़े दिनों से इंतज़ार कर रही थी। और इसको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ मेरी शकरकंदियों को, अभी दिखा रही हूँ निकाल के। छोटी सी वीडियो डाली थी विकराल शकरकंदी की, और ये तो देखो साकार ही हो गया मेरा, विकराल ही निकलेगी ये। और मैं इसे ऐसे ही बाद में बचा दूँगी, थोड़ी देर में दिखाती हूँ निकाल के। तो देखो ये है विकराल, मुझसे रुका नहीं गया पूरी तरह से, अभी बड़ी नहीं हुई थी, मोटी नहीं हुई थी, पर बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, अभी लास्ट तक मोटी हो जाती अगर इसको पूरा टाइम देती। इसको तो वैसे भी बारिश के जस्ट पहले लगाई थी। तो ये और भी हैं अभी बहुत सारी, तो इनको ऐसे ही छोड़ती हूँ और रखती हूँ दोबारा। पर फिर हो गई है रात, लेकिन मुझे उस शकरकंदी को दोबारा लगाना था। तो ये देखो रिवर सैंड दिख रही है आपको वाइट कलर में, और ये दिख रही है खाद, और बाकी तो है मिट्टी, तो इन्हीं को मिलाऊंगी क्योंकि इसके नीचे भी मैंने देखो खाद डाल दिया है, पत्ते का निम्बोली का खाद डाल दिया है, और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दिखा मेरे टब में शकरकंदी का।
तो उसी को आगे कंटिन्यू करूंगी एज इट इज बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि उनका साइज अभी छोटा है तो साइज बड़ा हो जाए इसके लिए। अब फिर से लगा दूंगी उन्हीं के सेम टब में। तो देखो दोबारा इसी टब में मैंने लगा दी है इसको, देखो टब का आपको दिख रहा होगा ये, है ना। इसी में नीचे खाद युक्त मिट्टी डाल के इसको फिर से लगा दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका। और साथ में और खाद युक्त मिट्टी डाल रही हूँ मैं, साइड साइड में कर दूंगी थोड़ी सी, जो स्पेस निकला है ना साइड से उसमें भी खाद युक्त मिट्टी डालूंगी और डाल दूंगी पानी, बस छोड़ दूंगी। मैंने कोई प्रूनिंग नहीं की है, बहुत सारी बेल है ये इसके साथ ही, इसका क्या करनी है नहीं करनी सुबह दिखाऊंगी आपको, बस आज इतना ही दिखाऊंगी, बस पानी और डाल दूंगी। ये पानी डाल रही हूँ, पानी डालने के बाद बस छोड़ दूंगी, रात का टाइम है इतना ही बहुत है बस। कल रात को दो पॉट भर दिए थे उसी तरह की मिट्टी, नीचे गले सड़े पत्ते, पत्ते की खाद, मिट्टी में रिवर सैंड, गार्डन मिट्टी और गोबर वगैरह सब कुछ मिला के भर दिया। तो आज इसमें एक ही पॉट ये है और एक पॉट ये है। तो अब क्या करूँगी दिखाती हूँ आपको, शकरकंदी जो है वो सारे में फैली हुई है और सब कुछ बताऊँगी कि कैसे शकरकंदी को लगाएं, कब आपको फ्रूटिंग मिल पाएगी, कैसे मिल पाएगी, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब मैं आज इनमें शकरकंदी की बुवाई करूंगी। और बुवाई के लिए मैं काफ़ी मैच्योर वाली स्टेम लूंगी, ये मैच्योर वाली है ना, तो काट लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये पूरी ले लूंगी, यहाँ से हटा लूंगी और कर लूंगी इसके टुकड़े, 10-10 इंच के, 12-12 इंच के टुकड़े मैं कर लूंगी सभी। और ये देखो शकरकंदी की क्या हालत थी, पूरी दीवार पे चढ़ी, लेकिन ये काफ़ी मोटी स्टेम है तो मैच्योर है, तो मैं यहाँ से भी ले लूँगी, निकल भी जाएगी ये, मेरे काम भी आ जाएगी। अब बहुत इलझी हुई है और ये देखो इतनी जड़ें हैं एक एक नोड पे, इतनी सारी जड़ें हैं, अगर ये दीवार पे ना होती, मिट्टी में होती तो इतनी सारी शकरकंदियाँ बना देती। तो इसकी भी कर लूँगी कटिंग ऐसे ही, और शकरकंदी की ये खासियत है कि वैसे तो इसको ना अगस्त सितंबर में लगा देना चाहिए, अगस्त सितंबर में जैसे ही बारिश ख़त्म होती है हमें शकरकंदी लगा देनी चाहिए, लेकिन मैंने लगाई तो है कुछ और अब दोबारा लगा रही हूँ दूसरे पॉट में, क्योंकि ये पॉट मेरे पहले भी शकरकंदी के थे और मैंने इनमें डायरेक्ट शकरकंदी से बेल उगाई थी, तो इसमें शकरकंदियाँ नहीं बनी, इसकी शकरकंदी बनने वाली थी। और भरी बारिश में ना इतना ज़्यादा पानी जो है वो फर्टाइल होता है कि सिर्फ इनकी ग्रोथ बढ़ती है और शकरकंदियाँ नहीं बनती उस पर। तो दो पॉट मेरे खाली निकले, दो पॉट जो थे मेरे खाली निकले, उनमें कोई शकरकंदी नहीं थी। तो अब ये लेट शकरकंदी मिल जाएंगी मुझे, पर कोई बात नहीं, सर्दी में ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता शकरकंदी में, इसलिए ग्रोथ कम होती है तो कंद ज़्यादा बन जाता है। और अब लगाते हुए दिखाती हूँ, ये देखो सभी की सभी जो स्टेम्स हैं वो मैंने शकरकंदी की मैच्योर ली हैं, और अब इनको लगा दूंगी मैं कुछ इस तरह से, वो बनाऊंगी आप देख सकते हैं गहराई में। और देखो इनको मैंने ऐसे सेट कर दिया है, है ना, ये जितनी भी मिट्टी मेरी काफ़ी पोरस है, कंद जो भी है, कंद वाली जो भी सब्जियां हैं उनकी मिट्टी जो है वो पोरस होनी चाहिए, क्योंकि कंद बनाने के लिए जड़ें अंदर तक जाती हैं और कंद बनता है तो सॉफ्ट मिट्टी में बहुत अच्छा बनता है। वैसे तो हर एक प्लांट में ही मिट्टी पोरस होनी चाहिए तभी उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, पर इसमें भी
मिट्टी में सिर्फ गोबर का ही खाद नहीं है, पत्ते का खाद भी काफ़ी है। जो इसमें पहले से ही गीले थे, कल रात को भी डाला था, लेकिन थोड़ा सा और डाल दें। थर्मोकोल का बॉक्स है ना, बहुत जल्दी जो है वो सोखता भी है, ज़्यादा पानी को रुकने नहीं देता। इसमें भी और बस अब दिखाऊँ, अपडेट आपको दिखाती रहूँगी कैसे कैसे ये बड़ी और कैसे हुआ। ये दो थर्माकोल के बॉक्स के अलावा मेरा इस बड़े पॉट में भी शकरकंदियाँ मिलेंगी खूब सारी, क्योंकि बारिश में खुद ही अपने आप ही बेल बड़ी होके इनमें अपने आप आ गई थी। और ऐसे ही इस बड़े पॉट में भी खूब सारी शकरकंदियाँ मिलेंगी, इसमें भी खुद ही उधर से लंबी होके अपने आप आ गई थी। एक ये टब और एक ये टब और एक ये थर्माकोल का बॉक्स, इनमें भी शकरकंदियाँ हैं जो मैंने बारिश के बाद लगाई हैं। तो मेरे पास शकरकंदी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं तो बनने भी लगी हैं, और आप भी बनाएं इसी तरह से लगाएं। मेरे पास बहुत सारे जो बेल है वो एक्स्ट्रा है, मंगरा खेत में लग सकती है, तो आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर मंगाएं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।